नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल सिस्टर्स में। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आप अपनी टेंशन्स को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांति दे सकते हैं। मित्रों, तो जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं, ये एक नींबू का पेड़ है। नींबू के तो बहुत सारे गुण आपको पता ही होंगे, पर मैं आज आपके इसके पत्तियों के औषधि गुण बता रही हूँ आपको। आजकल वैसे भी हम लोग एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। सब लोग बहुत परेशान रहते हैं, आपको पता ही है। कुछ लोग अपनी नौकरी खोने के डर में परेशान हैं, कुछ लोग अपनी पढ़ाई को लेकर, बच्चे ज़्यादातर परेशान हैं, और बहुत सारे लोग अपनों को खोने के डर से परेशान हैं। तो आजकल तो हम लोग को वैसे ही बहुत सारी टेंशन लगी हुई है। तो इससे हम कैसे थोड़ा इसको कम कर सकते हैं, मैं ये बताऊँगी कैसे अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसकी सिंपल से दो पत्ती लीजिए आप। आपके घर में पेड़ है तो अच्छा है, नहीं है तो आज लगाइए इसे ज़रूर, क्योंकि आज वैसे भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो आपको एक पौधा लगाना चाहिए। मित्रों, तो इसको कुछ नहीं करना है, आप इसकी दो पत्ती लीजिए, सिंपल इसे ऐसे क्रश कर लीजिएगा अच्छे से और इसे सूंघ कर देखिए। मित्रों, तो क्या होता है, जो हमारे नाक की जो न्यूरॉन्स का मतलब कोशिका तंत्र होते हैं, वो हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन से जुड़े होते हैं। हम जो भी सूंघते हैं उसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, और ऐसे वो हमारे दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। तो आप ये ज़रूर करें। कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत नर्वस रहते हैं, परेशान रहते हैं, उन्हें बहुत डर लगता है, तो वो ये एक बार ट्राई करें ज़रूर, मतलब रखें अपनी जेब में और जाके सूंघें इसे जब भी उन्हें थोड़ी नर्वसनेस महसूस हो। और बहुत सारे लोग जो जिनको नींद नहीं आती, जो बहुत सारी चिंता हमेशा करते रहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको हमेशा कुछ पत्ते इसके तोड़ के अपने तकिए के पास रखने चाहिए। इससे काफ़ी आराम मिलता है, तो उनको नींद आने में जो दिक्कत होती है उनसे उसको राहत मिलेगी दोस्तों ज़रूर। तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिए, और जैसा कि मैंने आपसे बोला, प्रकृति से जुड़े दोस्तों, आप खुश रहेंगे और आपके मन को शांति मिलेगी, उससे टेंशन भी कम रहती है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और जैसा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो आज एक पौधा ज़रूर लगाएं दोस्तों। धन्यवाद।